मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंदरजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा है क्या? कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है एक छोकरी की इज्जत के लिए। ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोब। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। मिलॉर्ड, ये दामिनी निहायत चालाक और काइया किस्म की लड़की है। ये गरीबी में पैदा हुई जरूर, लेकिन ख्वाब हमेशा अमीरी के देखती रही। इसीलिए इसने शेखर जैसे शरीफ लड़के को अपने खूबसूरती के जाल में फंस लिया। दरअसल इसकी नजर गुप्ता खानदान की तिजोरी पर थी, और जब अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद ये तिजोरी की चाबी हासिल ना कर सकी तो जल भुनकर राख हो गई। जिस घर ने इसके सपने पूरे नहीं होने दिए, उससे इसने बदला लेने की ठान ली, और इस बात का फायदा उठाकर गुप्ता खानदान के दुश्मनों ने इसे पैसे देकर खरीद लिया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची। जो बलात्कार बाजार में हुआ, उसे उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वो बलात्कार गुप्ता जी के घर में हुआ है, ताकि गुप्ता खानदान की इज्जत को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सके। ऐसी नीच गिरी हुई और शैतान लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि औरत जात को एक सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, चड्ढा साहब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। लगता है ये हिंदी फिल्में कुछ ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इनका ये केस हिंदी फिल्मों की तरह है, जिसमें कई कहानियां उलझी हुई हैं। पिछली तारीख चड्ढा साहब ने कहा था कि दामिनी पागल है, और आज ये कह रहे हैं कि दामिनी चालाक है। इतनी चालाक कि वो स्कीम कर सकती है, साजिश कर सकती है, प्लान कर सकती है। मेरे ख्याल से मिलॉर्ड, जो लड़की पागल है वो चालाक नहीं हो सकती, और अगर वो इतनी चालाक है तो पागल नहीं हो सकती। इसलिए मिलॉर्ड, मैं चाहूंगा कि चड्ढा साहब को भी सरकारी खर्चे पर दामिनी की तरह पागल खाने भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि जब ये ठीक होकर आए हमें ठीक ठीक बताएं कि दामिनी पागल है या चालाक, ताकि उसी हिसाब से मैं अपना डिफेंस तैयार कर सकूं। That's all, my lord. My lord, मैं ये साबित कर चुका हूं कि दामिनी एक गिरी हुई औरत है। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अपने घर में पली हुई लड़की का बलात्कार करते हैं। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अस्पताल में पड़ी लाचार लड़की का खून करवाते हैं। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ, और ना ही उसका खून हुआ है। उसने आत्महत्या की है, और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं। और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलॉर्ड।
परमिशन ग्रांटेड। तुम गुप्ता जी के यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो। जी सर। इसका मतलब है तुम उनके वफादार हो, ईमानदार हो, तुम पर उनका पूरा भरोसा है। हाँ? गाड़ियों की पूरी देखभाल भी तुम ही करते हो, जैसे उनकी मरम्मत, उनमें पेट्रोल डलवाना, सब कुछ तुम देखते हो। तो होली के उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए, तो चड्डा साहब आप ध्यान दीजिए, तो उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए जी, तो बहुत परेशान हुए होंगे। तुम्हें ढूंढा होगा गाड़ी के लिए, चाबी के लिए। नहीं नहीं सर, वो जिप्सी की गाड़ी, मेरा मतलब जिप्सी की चाबी मेरे पास नहीं होती सर। तुम्हें कैसे मालूम कि वो जिप्सी में गए? नहीं सर, क्या बाद में मेरे को मालूम पड़ गया सर। यानी कि बलात्कार हुआ ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ा। पॉइंट टू मी नोटेड मी लॉर्ड। ठीक है मंगेश, तुम जाओ। जी। ब्लडी फूल। मंगेश जी, चड्डा साहब आप मंगेश को डांटना चाहते होंगे। हाँ? क्या बड़बड़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ पूछना चाहते होंगे। नहीं। हाँ तो कदम साहब, उर्मी ने अपने हाथ में खत लेकर गला तो नहीं काटा होगा, और गला काटने के बाद वो अपने हाथ में खत नहीं रख सकती, तो इसका मतलब है खत किसी और ने रखा। जी वो पर चड्डा साहब, आपको मबज की भाषा समझ में आती है? खैर आपको तो वैसे कुछ सुनाई नहीं देता। मिलाज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्मी को लिखना नहीं आता था। उसके राशन कार्ड पर उसका सिग्नेचर नहीं, उसका अंगूठा है। और ये बात शायद उर्मी के कातिल नहीं जानते थे, जैसे कदम साहब और चड्डा साहब नहीं जानते। क्यों चड्डा साहब, गलत कह रहा हूं? योनर, अब मैं दामिनी के पति शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ये जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। शेखर बाबू, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? मैं ऐसे बेतुके सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूं। कमाल है मिलॉर्ड, मैंने तो एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा है कि एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है या नहीं। क्यों चड्डा साहब, कुछ गलत पूछा? नहीं। हाँ तो कहिए, आप करते हैं या नहीं? जी। क्या कहा चड्डा साहब, आपने सुना? नहीं सुना। देखिए चड्डा साहब, और मुझे जरा कम सुनाई देता है, जरा जोर से बोलिए प्लीज। जी मैं करता हूं। आंखें झुका के नहीं, अपनी पत्नी से आंख मिलाकर कहिए कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। ये एक औरत के विश्वास का सवाल है। जी बात करता हूं। मिलॉर्ड, शेखर बाबू अपनी पत्नी से प्यार, सॉरी बहुत प्यार करते हैं। ये मैंने भी सुना, चड्डा साहब ने भी सुना, हम सब ने सुना। खैर ये और बात है कि मुस्कुरा कर भी कह सकते थे। हाँ तो शेखर बाबू, मुझे हैरानी हो रही है कि आप एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जो बददिमाग है, पागल है। एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जो आपके माँ बाप की बेइज्जती करती है। एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जिसने आपके घर की सुख शांति में आग लगा दी, और तो और वो आपसे नहीं आपकी दौलत से प्यार करती है। एक ऐसी औरत जो गुप्ता खानदान की इज्जत को सड़क पे की चलाई। बात कर रहे हो तुम, जो जो मन में तुम बोल रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके काबिल वकील चड्डा साहब और आपके घर वालों ने दामिनी पर इल्जाम लगाया। गलत कह रहा हूं? नहीं ना। खैर छोड़िए, मैं भी जानता हूं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो शेखर बाबू, आप ये बताइए कि होली के उस दिन जब आपकी पत्नी घबराई हुई आपके पास आई और आपको छत के ऊपर ले गई, जहां आपने उर्मी का बलात्कार होते हुए देखा, चड्डा साहब आप ध्यान दीजिए प्लीज, तब आपने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है दामिनी झूठ बोल रही है? ये तो मैंने नहीं कहा। आपने क्या कहा? दामिनी कह रही है कि बलात्कार हुआ, आप कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ, तो दामिनी झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोल रही है? अब वो झूठ क्यों,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है दामिनी पागल है? बिल्कुल नहीं। जरा साहब आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं, दामिनी बद दिमाग है, गिरी हुई औरत है, बिकी हुई औरत है। Stop this bloody nonsense! I am talking sense! Stop it! गोविंद जी यहाँ आइए, आइए यहाँ। आपको मेरे पति से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। वो मेरे लिए गवाही दें या ना दें, उनकी मर्जी। लेकिन मुझसे इस तरह उनकी, भगवान के लिए भरी अदालत में उन्हें इस तरह शर्मिंदा ना करें। उन्हें जाने दीजिए आप। आप अपने आप को समझती क्या है? हाँ? क्या समझती अपने आप को? मैं आपका गुलाम हूँ, नौकर हूँ, खरीद लिया आपने मुझे, हाँ? अरे तुम जैसे दो टके की औरत को मैं अपने बाजू में आने ना दूँ? ए गोविंद, एक लफ्ज भी और मेरी पत्नी से कहा तो। सॉरी दामिनी। मिलॉर्ड, देखा आपने, जब मैं पति से कुछ कहता हूँ तो पत्नी को बुरा लगता है, और जब मैं पत्नी से कुछ कहता हूँ तो पति चिल्लाता है। ये बात साबित होती है कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, जो ऐसे नाजुक वक्त पर भी चट्टान की तरह मजबूत है। बावजूद इसके कि दामिनी ने शेखर के सगे भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया, बावजूद इसके कि दामिनी शेखर के खानदान को कोर्ट में घसीट लाई, फिर भी शेखर दामिनी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तहे दिल से जानता है कि दामिनी जो कर रही है वो सही है, जो कह रही है वो सच है। और अब मैं वही सच शेखर बाबू की जुबान से सुनना चाहूंगा। शेखर बाबू, अब मैं आपसे और कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं ये केस छोड़ रहा हूं, क्योंकि दामिनी को मेरी नहीं आपकी जरूरत है, वो आपकी पत्नी है, आप ही उसके सब कुछ है, इसलिए फैसला आपको करना है कि उन चार अपराधियों को बचाने के लिए आप अपनी मासूम पत्नी को सजा दिलाएंगे। यह फैसला आपको करना है, आपको। मिलॉर्ड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पति पत्नी के गहरे प्यार की नुमाइश करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन्हें कि एक औरत के झूठे जज्बात का सहारा ले रहे हैं ये। चुप है कानून के दलाल। सडनली मेरी तबीयत खराब, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि अगली तारीख कोई दे दिया। सर, मिस्टर चड्डा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से इस केस को मुलतवी किया जाता है, केस की अगली तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी।